हमीरपुर बाल स्कूल खेल मैदान में चल रही 60वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी सोमदत्त संख्यान ने किया। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को इनाम देकर पुरस्कृत भी किया गया। 3 दिनों तक चली खेलकूद प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा प्रदेश भर के स्कूली खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा प्रीतम धौंटा, ADPO राजेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के परिणामों में बॉक्सिंग में ओवरऑल विजेता किन्नौर बना तो उपविजेता मंडी टीम रही, जबकि हॉकी खेल में सिरमौर जिला विजेता और सोलन उपविजेता रहा। बास्केटबॉल में जिला ऊना विजेता रहा और मंडी उपविजेता। वहीं जूडो में ओवरऑल विजेता शिमला जिला रहा। डिप्टी डायरेक्टर सेकेंडरी सोमदत्त संख्यान ने विजेता टीमों को बधाई दी और कहा कि विजेता टीमें हिमाचल का प्रतिनिधित्व अब राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में हार जीत से नहीं घबराना चाहिए और आगे भी खिलाड़ियों को प्रयास जारी रखने चाहिए। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो आपने यहां अच्छी बातें सीखी हैं उनको साथ लेकर के जाएं अपने जीवन में। जो भी विजेता टीम है, खिलाड़ी हैं, उन सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी हमारे हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। अपना, अपने विद्यालय का, अपने जिले का और हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए कड़ी मेहनत करें, कड़ा परिश्रम से। बाकी जब कोई भी प्रतियोगिता होती है तो उसमें हार जीत तो होनी ही है। जो बच्चे प्रयास के बावजूद भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि मायूस ना हो। यहां तक पहुंचना और पार्टिसिपेट करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनसे आग्रह है कि वो फिर से प्रयास करें।